एवरीवन, तो देखो ये है बर्गर पेंट्स का चार्ट। आज हम इस पर एनालाइज करें। तो देखो मैंने यहाँ पर एक वीक का टाइम फ्रेम लगा के रखा है और यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल जोन बनाया है, ठीक है। इस पॉइंट से इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और लगा के दिखाऊंगा। अगर आप इस अप ट्रेंड में यहाँ से लेकर, तो ये जो अप ट्रेंड था ना, इस अप ट्रेंड में आप फिबोनाची लगाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा, बट ये वाला पॉइंट तुम कंसिडर कर सकते हो, मान सकते हैं। तो उस पॉइंट पर इसको 0.618 लेवल और 0.5 लेवल भी इसी जोन के पास में आ रहा है। तो उस पॉइंट पर अच्छा खासा कंसोलिडेट कर चुका है। अब हम सेम चीज को लेकर चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर तुम आप डेली टाइम फ्रेम में जाते हो ना, तो वहां पर मैंने एक ये बना के रखा है। यहाँ पर ये इस पॉइंट से नीचे से यहाँ सपोर्ट फेस कर रहा है, यहाँ से ऊपर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। अगर तुम इस कैंडल को इग्नोर करो तो एक बहुत ही अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना और उसने आज उसका ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड, ठीक है। तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज, एंड देन अगर 50 डेज का एवरेज देखोगे तो आपका वो इसी पॉइंट के आसपास दिख रहा है। तो एक अच्छा सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे इसको एक्युमुलेट करके रख सकते हो थोड़े से।